ये चाय तुमने बनाई? हाँ। गुरुजी आप तो मुझे एक के बाद एक गोली दिए जा रहे हैं और यहाँ पूजा एक के बाद एक अपना झंडा लहरा रही है। आपने मुझसे वादा किया था कि नरेन और सुरभि की शादी नहीं होगी, राइट? पर यहाँ तो पूजा उन दोनों की दोस्ती करवा रही है। देखिए गुरुजी, आई डोंट नो एनीथिंग, सुरभि मुझे ही मिलनी चाहिए। रिलैक्स बच्चे, रिलैक्स। पूजा की कोशिशें गरजते बादलों की तरह है, बरसना जिनके नसीब में ही नहीं, सुरभि तुम्हें ही मिलेगी। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मैं आता हूं। पूजा, क्या हुआ नरेन बाबू? कुछ भी ठीक नहीं। अब कुछ कैसे गलत हो सकता है? अब तो आप सुरभि को समय दे रहे हैं, उसे नई नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी मुझे सुरभि में तुम ही नजर आ रही हो। हाँ पूजा, मुझे मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सुरभि में तुम ही दिख रही हो। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये हो क्या रहा है? इसका मतलब क्या है? नरेन बाबू, आप कमरे में जाइए, मैं आपसे वहीं बात करती हूँ। और किसी के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, सुरभि के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ऊपर आ रही हो ना? ये सब क्या है पूजा? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि नरेन और सुरभि को करीब लेकर आओगे, पर यहाँ शरीर सुरभि का और आत्मा तुम्हारी, एक ऐसी गारंटी। देखो पूजा, जब तक नरेन तुम्हें भूलकर हर जगह मेरी बेटी को ना देख ले, बात वहीं की वहीं रहेगी। अगर वाकई मैं गारंटी देना चाहती हूँ तो कुछ ऐसा करो कि नरेन चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सके। और पूछा, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, एक दिन। क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि नरेन तुम पर अपना हक नहीं जताएगा, ना दोस्त के तौर पर, ना नौकरानी के तौर पर, ना ही एक साथी के तौर पर? मैं आपको गारंटी देती हूँ सुरभि, आज के बाद नरेन बाबू का मुझ पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। मुझे सुरभि में तुम ही नजर आ रही हो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सुरभि में तुम ही दिख रही हो। जब तक तुम्हारे ये फितूर, ये रोग किसी और के खूंटे से नहीं बंधेगा, वो भी किसी और का नहीं हो पाएगा, तुम्हें अपने गले में शादी का पट्टा डालना ही पड़ेगा। ना बेटा ना, चुप हो जाओ, बस मत रो। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है,
ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को सही पटरी पर ले आएगा। आओ, आओ मेरे साथ, एकदम शांत हो जाओ। ये रहो। आंसू पोछो और अच्छे से बाल बाल बना कर आओ। देखो कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पूजा, मैंने तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अब ये मत सोचना ये फैसला तुम्हारी मामी ने दिया है। अगर जी जी होती तो वो भी यही करती। अब जाओ, अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए, जिसने बिना कुछ पूछे तुम्हें मन से मान लिया है। पूजा, मौसम की पहली बारिश में हरियाली का आनंद ले रही हो, पर जरा संभल के, फिसलन आने में देर नहीं लगती। आराम से, ये तो काम की वजह से मैच के टाइमिंग्स मैच नहीं होते, वरना इंडिया जीत रहा और मैं ना देखूं, नो चांस। लीजिए। अरे मामा जी, इन सबकी क्या जरूरत है। लीजिए, पूजा भी आ गई। पहले शादी का रिश्ता, फिर चाय का इनविटेशन, और इससे पहले कि कोई बात हो हाँ भी कह दिया। यार, शादी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी का केस मैंने आज तक हैंडल किया नहीं। मामा जी, इन्हें कोई ड्यूअल पर्सनालिटी है क्या? कल तक तो झांसी की रानी बनी हुई थी, आज बेचारी नारी कैसे? लड़कियां तो लड़कियां होती है ना, शादी ब्याह की बात होते ही शर्मा जाती है। मैंने कहा था ना, लीजिए ना समोसे लीजिए। मामा जी, आपने पूजा की रजामंदी तो बता दी, लेकिन मैं फिर भी एक बार उससे बात करना चाहता हूं अकेले। हाँ हाँ बेटा, जरूर। अनुज, जरा दीदी को बुला ले। जी। अगर शादी हमारे लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती मुझसे शादी? अगर वाकई मैं गारंटी देना चाहती हूं तो कुछ ऐसा करो कि नरेन चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सके। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आज के बाद नरेन बाबू का मुझ पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या जिंदगी भर ऐसे जोगन बनती फिरोगी? तुम क्यों नहीं समझ रही हो, ये जो तुम्हें प्रेम रोग लगा है ना, ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आनंद बाबू तेरे से अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं तेरे से कुछ पूछूंगा नहीं, तो बस इतना कहूंगा कि तू आनंद बाबू में नरेन बाबू का दिल ढूंढने की कोशिश मत कर। वो हटकर देखेगी ना, शायद तार जुड़ जाए। एक्सक्यूज मी, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं आता हूं। देवा,
आपने तो ट्रॉफीज की दुकान खोल रखी है। बाय द वे, आजकल लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो थोड़ा दिमाग भी यूज करती हो। वैसे एक बात बताइए पूजा, आपने क्या देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ किया? कल तक तो आपके पास मुझसे बात करने तक का समय नहीं था। पूजा, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने की बात कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ अपनी जिंदगी शेयर नहीं करेंगे तो ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं मामा मामी की बात का मान रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको भी अंधेरे में नहीं रख सकती। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी आनंद, जानती हूँ कि हाँ भेजने से पहले मुझे आप तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सच में मौका नहीं मिला। असल में ये नरेन, माय सन, जब राधा को कृष्ण से प्यार हुआ था तो वो भी ऐसी ही दीवानी हो गई थी। नरेन बाबू तो निर्मोही है, वो तो जानते तक नहीं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। पर उनसे अपनी मन की बात कहके मैं चीजें और कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहती। मेरे और नरेन बाबू के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन शायद सबके लिए ये रिश्ता समझना मुश्किल है। अब जो भी है सब आपके सामने है। मैं नहीं जानती कि मैं कभी आपको प्यार कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक लाइफ पार्टनर के तौर पर मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जानती हूं शायद सब जानने के बाद आप मुझसे कोई रिश्ता ना रखना चाहें, लेकिन मैं मामा मामी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन अगर आपसे बात छिपाती तो आपके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। पूजा, पूजा दी अभी बिजी है, मुझे पूजा से अभी मिलना है। कहाँ है वो? घर से अचानक यहाँ चले, यहाँ फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नरेन बाबू, आप पूजा से अभी बात नहीं कर सकते। और अगली बार यहाँ फोन किए बिना मत पधारिएगा, और हमारी भांजी से दो कोस दूर रहिएगा, क्योंकि पूजा की शादी अब तय हो चुकी है। क्या ये कब हुआ? उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पूजा, पूजा, आनंद, मैं 5 मिनट में आई। पूजा, फोन उठाना तो तुमने छोड़ दिया, बातें छुपाने भी लग गई। तुम्हारी शादी फिक्स हो रही है और ये बात मुझे मुझे सर बता रहे। क्या ये जानने का राइट भी नहीं है मुझे? मामा, क्या नरेन बाबू से 10 मिनट के लिए मैं अकेले में बात कर सकती हूँ?
ठीक है लड़की, लेकिन आज नरेन बाबू को सब कुछ साफ साफ तौर पर बता देना। चलो कुसुम, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पूजा, पूजा ये हो क्या रहा है? तुम्हारी शादी फिक्स हो रही है, ये लड़का है कौन? तुम कब से जानती हो इसे? और मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? वो तुम्हें पसंद तो करता ना, नहीं मतलब उसका नेचर कैसा है? नरेन बाबू, डॉक्टर आनंद बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझे पसंद करते हैं और ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। इससे ज्यादा ना आपको जानने की जरूरत है और ना ही मुझे बताने की। नरेन बाबू, अब मैं अपनी निजी जिंदगी की सारी बातें आपसे नहीं बांट सकती। लेकिन 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 क्या नरेन बाबू, हम दोस्त हैं लेकिन दुनिया को लड़का लड़के की हमजोली मंजूर नहीं, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी हमजोली के दिन पूरे हुए नरेन बाबू, अब आपको मुझसे मिलने के लिए मुझसे पूछना होगा। इसका मतलब अब मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता। नहीं नरेन बाबू, क्योंकि शादी के बाद मेरा सारा वक्त मेरे हस्बैंड का हुआ, और आपको भी अपनी घड़ी सुरभि के हिसाब से चलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। नरेन बाबू, हमने इतने दिनों तक इतनी सुंदर दोस्ती निभाई है, अब इस दोस्ती पर इतना भी बोझ मत डालिए कि ये भार सह ही ना पाए। जो भी कह रही हो ये सब मेरे समझ के बाहर है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो इसमें कोई तो मतलब होगा। पूजा, मैंने हर फैसला लेने से पहले हमेशा तुम्हारी तरफ देखा है, और तुम्हारे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तुम्हें अकेले लेने दूं, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, उससे मिले बिना मैं डॉक्टर को हां का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। अब नरेन बाबू को डॉक्टर आनंद से कैसे मिलवाऊं? मुझे तो अभी ये भी पता नहीं कि मेरी दिल की बात जानने के बाद वो हां कहेंगे भी या नहीं। क्या वो मिलवाओ अपने डॉक्टर से, मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। जनाब, इंटरव्यू के लिए हाजिर। हेलो मिस्टर व्यास, आई एम आनंद, पूजा का फियांसे। तुमने तो मेरी दोस्त को मुझसे चुरा लिया। आपकी दोस्त है ये ऐसे, पर पहले ये तो बताइए मैं आपकी दोस्त के लायक हूं या नहीं। पूजा कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती, उसने अगर तुम्हें चुना है तो तुम उसके लिए गलत नहीं हो सकते। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि इंटरव्यू इतना आसान होगा। मेरी लाइफ तो मुश्किल कर दी। पूजा कह रही थी कि शादी के बाद मैं उसे नहीं मिल सकता, तो क्या है ना कि दोस्ती की आदत सी पड़ गई, सुबह शाम परछाई की तरह मेरे पीछे घूमती थी। आप ही बताइए, परछाई के बिना रहने की आदत डाल सकते हैं क्या? मैं सिर्फ एक परमिशन मांगना चाहता हूं, क्या मैं अपने दोस्त से शादी के बाद कभी कभी मिल सकता हूं, उसे बात कर सकता हूं? नरेन बाबू, मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट यार, जिसे इमोशनल बातें पलनी नहीं पड़ती,
आपकी बातें अजीब है लेकिन वो फील सही है। मैं यहां दोस्ती की जगह लेने तो नहीं लेकिन अपनी एक अलग जगह बनाने आया। ये दोस्ती की कुर्सी आप ही संभालो यार। हाँ लेकिन ये दोस्ती के साथ आपको एक जिम्मेदारी भी मिलेगी। आपकी दोस्त की शादी है यार, थोड़ा ध्यान रखिए इनका, हंसना सिखाइए इन्हें। दोस्ती के लिए इतना तो करेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे, पिछले कुछ दिनों से हंसना भूल गई है। बताओ कुछ तुम्हारे लिए ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी हंसी और मेरी पुरानी पूजा वापस मिल जाए? तुम्हें जो करना है उसके लिए तुम्हारे पास बस आज ही का वक्त है। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं नरेन बाबू, तो सुरभि आज आपसे जो भी मांगे बिना दूसरी बार सोचे हाँ कह दीजिएगा। ये मन भी बड़ा है पावरा, पाए जितना उतना ही चाहे, अपनों का मन रख कर देखो आपका भी मन भर जाए।